दिस वीडियो कंटेन्स भर भर के मांगा स्पॉयलर्स, तो अगर चैप्टर 1053 तक रेट नहीं किया है तो बाबू जस्ट लीव द वीडियो, वरना बहुत गंदे से स्पॉइल हो जाना है तुम्हें। हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला है वन पीस के हिस्ट्री के बारे में। कुछ पॉसिबिलिटीज़ बताएगा मैं, जो कि मुझे लगता है कि एक्चुअली में हो सकता है। हिस्ट्री में मैं वॉइड सेंचुरी के साथ साथ एंशियंट वेपन्स को भी कवर करूँगा, और उनका जॉबे के साथ पॉसिबल कनेक्शन भी बताऊँगा, और करंट टाइमलाइन में जो भी कुछ हरकतें हो रही हैं उसको भी कवर करूँगा। इज दिस एन ओरिजिनल थ्योरी वीडियो? यस इट इज। चलो बाबू, मेन बातें चालू करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले थोड़ा बेसिक्स बता देता हूँ तुमको, स्किप मत करना क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी के टाइम पे जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है, ये वर्ल्ड गवर्नमेंट बनी थी 8 साल पहले 20 अलग अलग किंगडम्स के अलायंस से, और ये 20 किंगडम्स की अलायंस मिलके लड़ी थी अगेंस्ट दी ग्रेट किंगडम। ग्रेट किंगडम इज़ दी एंशियंट किंगडम, ठीक है, बहुत लोग इसको एंशियंट किंगडम बोलते हैं, वही है, सेम ही है, ठीक है, ग्रेट किंगडम एंशियंट किंगडम सेम है। और उनको हरा के फिर ये 20 किंगडम्स ही मिलके बनाई वर्ल्ड गवर्नमेंट और रूल करने लग गई वर्ल्ड पर। बट क्या ये सच है? अभी मैंने ये जो सब बोला है ना, ये क्लोवर चीचा जो कि ओहारा के मेन प्रोफेसर थे उसने बोला था, बट कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लोवर चीचा पूरी तरह सही नहीं थे। इस थ्योरी से मैं मोस्ट लाइकली तुमको कन्विंस कर दूंगा कि क्लोवर चीचा का अजम्पशन थोड़ा ऊपर नीचे था। क्लोवर मानता था कि 20 किंगडम्स मिलके उस ग्रेट किंगडम से लड़ी थी, और वो ग्रेट किंगडम जब बाद में हारने लगी तब वो पोनिग्लियस में पूरा फैक्ट लिख दी ताकि आने वाले जनरेशन को उस ग्रेट किंगडम के बारे में सब चीज़ पता चल जाए। और क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोगों को पास्ट के बारे में पता चले, वर्ल्ड गवर्नमेंट पोनिग्लियस को छुपाने की कोशिश करती है और हिस्ट्री को दबाने की कोशिश करती है। लेकिन क्लोवर कभी समझ नहीं पाया कि इट वॉज नॉट दी ग्रेट किंगडम जिसने पोनिग्लियस को बनाया था, मोर लाइक बनवाया था और फ्यूचर के लोगों के लिए छोड़ा था। इट वॉज समवन एल्स, इट वॉज फर्स्ट जॉय बॉय। अगर तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो जो जो मैं बताने वाला है सुनते रहो, समझ जाओगे क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी लेट्स टॉक अबाउट एंशियंट वेपन्स। मैं मेन प्लूटोन और पोसाइडन के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, यूरेनस क्या होता है एक वाइल्ड गेस करूंगा मैं, बट उस पर इतना नहीं जाना मुझे अभी क्योंकि उससे रिलेटेड हमें कुछ नहीं पता। सबसे पहले बात करते हैं प्लूटोन के बारे में। प्लूटोन क्या है पता है ना? प्लूटोन एक वॉरशिप है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग वॉरशिप है कि इसमें एक आइलैंड को ईजिली डिस्ट्रॉय करने का गूदा है। अलाबास्ता आर्क में शायद प्लूटोन का सबसे पहले मेंशन हुआ था, अलाबास्ता के पोनिग्लिफ में, और रॉबिन को वहाँ पे प्लूटोन का एग्जैक्ट लोकेशन पता चला था। और चैप्टर 1053 में रॉबिन से हमें पता चला कि वो लोकेशन और कोई नहीं बल्कि वानो है। और सुकियाकी एक दल्ला कोजुकी ने भी कन्फर्म कर दिया कि आज भी प्लूटोन वानो में ही है। ये तो बेसिक फैक्ट्स हो गए, थोड़े इन डेप्थ फैक्ट्स की भी अब बात करते हैं। तो आइसबर्ग ने रॉबिन को बोला था चैप्टर 344 में कि प्लूटोन को बहुत साल पहले बनाया गया था वाटर 7 आइलैंड में, और जिस भी समय प्लूटोन बना था उस टाइम के तो बेस्ट शिपराइट्स ने इसको बनाया होगा, राइट? तो या तो उन शिपराइट्स ने इस वॉरशिप का ब्लूप्रिंट्स बनाया था, या फिर उनके पास पहले से ही ब्लूप्रिंट्स था। जो भी है, वो शिपराइट्स फिर इस ब्लूप्रिंट को पास डाउन कर दिए नेक्स्ट जनरेशन के वाटर 7 के बेस्ट शिपराइट को, और ऐसे करके जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होते होते ये मिला फ्रैंकी को, जिसने ब्लूप्रिंट्स जला दिया। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि एग्जैक्टली क्या इंपॉर्टेंस था इस ब्लूप्रिंट्स का? अच्छा, आइसबर्ग ने चैप्टर 344 में ही जब रॉबिन को बताया था ना कि उसके पास प्लूटोन के ब्लूप्रिंट्स है और प्लूटोन को बहुत साल पहले वाटर सेवन में बनाया गया था, तब उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोला था, और वो ये था कि इवन दो अगर वो उस टाइम ब्लूप्रिंट्स को जला देता तो भी एंशियंट वेपन्स का रिवाइवल पॉसिबल था बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ निको रॉबिन। मतलब कि ब्लूप्रिंट्स वर एक्चुअली अ बैकअप। जिन भी शिपराइट्स ने प्लूटोन को वाटर सेवन में बनाया था उन्होंने एक्चुअली में एक बैकअप भी बनाया। अब इसके पीछे का रीज़न आइसबर्ग ने उसी चैप्टर में बताया था कि वो चाहते थे कि अगर फ्यूचर में किसी गलत इंसान के हाथों प्लूटोन पड़ गया तो फिर उसको काउंटर करने के लिए एक और प्लूटोन बनाया जा सके। लेकिन इसका एक और भी रीज़न हो सकता है, और वो ये हो सकता है कि शायद वो चाहते थे कि फ्यूचर में अगर पहले वाले प्लूटोन को कुछ हो जाता है तो फिर एक और प्लूटोन बनाया जा सके। एंड अगर ये एक रीज़न था देन दैट मीन्स कि वो शिपराइट्स जानते थे कि सालों बाद प्लूटोन की ज़रूरत पड़ेगी, और ये ज़रूरत किसको पड़ेगी बताओ? जॉय बॉय को। तो मे बी उस टाइम के शिपराइट्स जानते थे कि बाद में जॉय बॉय आएगा और उसके टाइम पर अगर बाई चांस एग्जिस्टिंग प्लूटोन को कुछ हो गया तो फिर ये बैकअप यूज़ करके एक और प्लूटोन बनाया जा सके। लेकिन फ्रैंकी ने इस बैकअप को जला दिया, बट अगर मेन चीज़ अभी भी अच्छे कंडीशन में है तो क्या बैकअप की ज़रूरत भी है? नहीं ना। फ्रैंकी ने ब्लूप्रिंट्स जला के सिर्फ वर्ल्ड गवर्नमेंट को ही दिक्कत दिया, क्योंकि एक्चुअली में उनको स्ट्रॉहैट्स को, लूफी को, जॉय बॉय को कभी ब्लूप्रिंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि प्लूटोन अभी भी एग्जिस्ट करता है वानों में। लेकिन लव तो इतना श्योर कैसे कि प्लूटोन को बनाने वाले शिपराइट्स जानते थे कि बाद में जॉय बॉय आएगा और उसको प्लूटोन की ज़रूरत पड़ेगी?
क्योंकि उन शिपराइट्स ने प्लूटोन बनाया था फर्स्ट जॉयबॉय के लिए। यू वांट प्रूफ्स? लेट मी गिव यू सम। अच्छा पहले ये बताओ कि तुमको क्या लगता है कि प्लूटोन को वाटर सन में कब बनाया गया था? सिंपल आंसर है इसका, वर्ल्ड सेंचुरी में, मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट के रूल करने से पहले, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट की बहुत फटती है एंशिएंट वेपन्स से और वो एंशिएंट वेपन्स के रिवाइवल को नहीं होने दे सकते। और अगर प्लूटोन को वर्ल्ड गवर्नमेंट के रूल के अंडर बनाया जाता तो उसको वर्ल्ड गवर्नमेंट ईजिली गेन कर लेती, क्योंकि वाटर सेवन आइलैंड वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक पार्ट है। और एक रीज़न है मेरा ऐसा बोलने का, पोनिक्लिप्स। अगर प्लूटोन बाद में बना होता तो फिर उसका मेंशन पोनिक्लिप्स में कैसे है बताओ। और हाँ, प्लूटोन हिस्ट्री में सिर्फ एक ही बार बना है वर्ल्ड सेंचुरी में, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स बना है ऐसे हिंट देने वाला हमें आज तक एक भी एविडेंस नहीं मिला है। अभी तक हमने वर्ल्ड गवर्नमेंट को भी उस एक प्लूटोन को पाने की कोशिश करते हुए देखा है। तो ये एक प्लूटोन को वर्ल्ड सेंचुरी में फर्स्ट जॉबे ने बनवाया था, फॉर वॉट रीज़न यू माइट आस्क, फॉर अ वॉर ऑब्वियसली, जो कि हुआ भी, लेकिन फर्स्ट जॉबे हार गया। वो हारा तभी तो वर्ल्ड गवर्नमेंट अभी रूल करी है, राइट? लेकिन कैसे? उसके पास तो प्लूटोन और पोसाइडन और शायद यूरेनस भी था, नॉट श्योर अबाउट यूरेनस, बट प्लूटोन पोसाइडन तो था ना, तो फिर वो हारा कैसे? और अगर प्लूटोन वाटर सेवन में बना था फिर वो अभी वानों में क्या कर रहा है? प्लूटोन पे वापस बात करेंगे, उससे पहले पोसाइडन के बारे में भी थोड़ा बतिया लेते हैं। पोसाइडन माई फ्रेंड इज अनदर एंशियंट वेपन, जो कि एक्चुअली में एक मरमेड होती है जिसमें पावर होता है सी किंग्स को कंट्रोल करने का और उनसे बात करने का। और अभी के टाइम पे पोसाइडन है शिराहोशी, और फर्स्ट जॉयबॉय के टाइम पे भी एक पोसाइडन थी जिससे जॉयबॉय ने एक वादा टाइप किया था, बट वो उस वादा को कभी निभा नहीं पाया, तो इसलिए उसने वो अपोलॉजी लेटर लिखा था उसके लिए विया पोनिक्लिफ। ये वादा समवॉट रिलेटेड था फिशमैन और मरमेड्स को सरफेस में ले जाने से, जिसमें फर्स्ट जॉयबॉय फेल हो गया था। लेकिन एक चीज़ सोचो, फर्स्ट जॉयबॉय क्यों पोसाइडन की हेल्प करता फिशमैन को ऊपर ले जाने में? मे बी क्योंकि उसको भी पोसाइडन AKA एक वेपन का ज़रूरत था। पोसाइडन ने शायद फर्स्ट जॉयबे का हेल्प किया था इन दी वॉर, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट जॉयबे के पास कन्फर्म प्लूटोन और पोसाइडन थे। अब तुमको पता है कि वाटर सेवन ग्रैंड लाइन में, राइट? और ग्रैंड लाइन से न्यू वर्ल्ड में एंटर करने का एक अंडर वाटर रास्ता है थ्रू फिशमैन आइलैंड, तो शायद फर्स्ट जॉयबे प्लूटोन को बनवाने के बाद गया इस अंडर वाटर रास्ते से फिशमैन आइलैंड, ताकि वो पोसाइडन से हेल्प मांग सके वॉर के लिए। और उसके बाद वो वहाँ से कहीं निकल गया, पता नहीं कहाँ निकला, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन एक चीज़ जो मैं डैम श्योर हूँ वो ये है कि फर्स्ट जॉयबॉय हारने के बाद वानो गया, जो कि न्यू वर्ल्ड में है। ऐसा मेरे बोलने का सबसे बड़ा रीज़न है एग्जिस्टेंस ऑफ पोनिक्लिप्स। पोनिक्लिप्स वानो में बनी और कोजुकीज ने बनाया है उसे, प्लस कोजुकीज ने अगर फर्स्ट जॉयबॉय का अपोलॉजी टू पोसाइडन लिखा है, मतलब कि फर्स्ट जॉयबॉय शायद अपने डेथ बेड में था इसलिए वो खुद नहीं जा पाया सॉरी बोलने पोसाइडन के पास। लेकिन क्या फर्स्ट जॉयबॉय वानो गया और सिर्फ उसने पोनिक्लिप्स लिखवाए? नहीं, उसने वानो में छुपा दिया प्लूटोन। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसलिए कोजुकीज ने वानो को क्लोज किया था ताकि वर्ल्ड गवर्नमेंट कभी प्लूटोन को पा ना सके? विच एक्चुअली मेक्स सेंस, क्योंकि ओडन ने प्रिडिक्ट किया था कि जॉयबॉय वापस आएगा और वानो के गेट्स खोलेगा। जॉयबॉय वापस आया है, राइट? लूफी भाई, सेकेंड जॉयबॉय, लेकिन अभी तक गेट्स क्यों नहीं खुले हैं वानो के? मोमो इज अ रीज़न, बट एक और रीज़न ये भी हो सकता है ना कि अभी तक लूफी को प्लूटोन नहीं मिला इसलिए गेट्स नहीं खुले हैं। गेट्स खुल गया और लूफी से पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट प्लूटोन ले गया, तो प्लूटोन को छुपाने के जुर्म में वर्ल्ड गवर्नमेंट ईजिली फिर वानो को एनेक्स कर देगी ना। इसका मतलब ये भी हुआ कि वाटर सेवन के शिपराइट्स प्लूटोन के ब्लूप्रिंट्स पास डाउन करते गए, ताकि अगर जॉयबॉय फॉर सम रीज़न वानो के प्लूटोन को यूज़ ना कर पाया या फिर वानो के प्लूटोन को कोई और यूज़ करने लग गया तो जॉयबॉय के लिए एक और प्लूटोन बनाया जा सके। लेकिन अभी तक मैंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि अगर फर्स्ट जॉयबॉय के पास प्लूटोन पोसाइडन दोनों था तो फिर वो क्यों हारा? क्या वो एक्चुअली में हारा भी था? हाँ भी और नहीं भी, मेरे थ्योरी के हिसाब से। अच्छा तुमको क्या लगता है फर्स्ट जॉयबॉय किसके साथ वॉर किया था? ये मत बोलना भाई कि फर्स्ट जॉयबॉय हो सकता है वॉर ही नहीं किया था। नहीं, दिस इज रॉन्ग। वॉर हुआ था पास्ट में, एंशिएंट वेपन्स यूज हुए थे, तभी तो बाबू सबकी फटती है ना एंशिएंट वेपन्स से। और आइसबर्ग ने रॉबिन को जिस वे में बोला था कि एंशिएंट वेपन्स डिस्ट्रक्शन लाती है बहुत ज़्यादा और उनका रिवाइवल दुनिया के लिए खतरा है, ऐसा वैसा है, मतलब कि एंशिएंट वेपन्स पास में बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन की है और उसको कोई तो विटनेस किया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट तो उसको विटनेस किया ही किया, तभी उसकी इतनी फटती है। अच्छा तुम्हें पता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट मतलब 20 किंगडम्स का अलायंस कभी फर्स्ट जॉयबॉय के साथ वॉर किया ही नहीं थे प्रॉपर वाला, क्योंकि अगर वो करते तो वो हार जाते अगेंस्ट एंशिएंट वेपन्स। और व्हाइटबेर्ड के लास्ट वर्ड्स याद है, उसने बोला था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट एक वॉर से डरती है। और अभी के चैप्टर्स में गोरोसे, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के टॉप में है आफ्टर इमसामा, उनकी जो फटी है भाई सेकेंड जॉब है AKA लूफी की वजह से, और जिस वे में वो लूफी के बारे में छुपाना चाह रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ एंड यू विल रियलाइज कि वर्ल्ड गवर्नमेंट एक्चुअली में डरती है एक वॉर से अगेंस्ट जॉयबॉय।
मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जॉयबॉय वॉर तो लड़ा था लेकिन वो 20 अलायंस किंगडम के साथ नहीं लड़ा था, तो किसके साथ लड़ा था बताओ, कौन बचा, कौन जिसके साथ वो वॉर लड़ा? ग्रेट किंगडम भाई। फर्स्ट जॉयबॉय ने वॉर लड़ा था ग्रेट किंगडम से एंड उसने उस वॉर में प्रॉपर वे में एंशियंट वेपन्स भी यूज़ किया था और ये सबको विटनेस की थी 20 किंगडम्स की अलायंस और एंशियंट वेपन्स की पावर देख के इनकी फटने लगी एंशियंट वेपन्स से। और ग्रेट किंगडम के गिरने के बाद समहाउ फर्स्ट जॉयबॉय 20 किंगडम्स की अलायंस से हार गया, मे बी बाई अ ट्रिक और समथिंग, बट या वो हार गया। हारने की वजह से फर्स्ट जॉयबॉय कभी अपना प्रॉमिस या फिर पैक्ट विद पोसाइडन कंप्लीट नहीं कर पाया। पोसाइडन का अनफॉर्चुनेटली वॉर में लड़ने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और फर्स्ट जॉयबॉय चले गया फिर वानो प्लूटोन को छुपाने, और उधर कोजुकीज़ ने प्लूटोन को छुपाने के बाद वानो को क्लोज कर दिया और फर्स्ट जॉयबॉय का और पूरे वॉइड सेंचुरी का हिस्ट्री कार्व कर दिया ऑन बिग स्टोन्स, जिसे अभी के टाइम पे हम पोनीग्लिफ्स के नाम से जानते हैं। अब कैसे 20 किंगडम्स की अलायंस फर्स्ट जॉयबॉय को हराई और रूल करने लगी वर्ल्ड पर, पता नहीं। इतना तो पता है कि 20 किंगडम्स की अलायंस भी जायंट किंगडम को हराना चाहती थी जस्ट लाइक फर्स्ट जॉयबॉय। ऐसा हो सकता है कि ये 20 किंगडम्स की अलायंस फर्स्ट जॉयबॉय को लड़ने दिए और जब वो जीत गया किसी वे में ये उसे हरा के रूल करने लग गई वर्ल्ड पर। फर्स्ट जॉयबॉय 20 किंगडम्स में से तो किसी का पार्ट नहीं था। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक्चुअली में ये अलायंस 21 किंगडम्स का था और एक किंगडम फर्स्ट जॉयबॉय का था, बट फिर ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा अजम्पशन हो जाएगा विदाउट फैक्ट्स। एक चीज़ जो हो सकता है वो ये भी है कि फर्स्ट जॉयबॉय एक इंडिपेंडेंट बंदा था एंड मे बी ही बिलोंग टू द डी क्लैन, इसलिए डी के साथ इतना हरकतें करती है आज भी वर्ल्ड गवर्नमेंट। और क्यों फर्स्ट जॉयबॉय जायंट किंगडम को हराना चाहता था? क्योंकि शायद वो फ्री होना चाहता था और सबको भी फ्री करना चाहता था। टिपिकल जॉबे वाला रंडी रोना। लेकिन अभी भी क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं अभी भी बचे हुए हैं, जैसे कि अगर प्लूटोन अभी वानो में है तो वो कहाँ पर है और काइडो और रुचि को कभी मिला क्यों नहीं वो? तो वानो में प्लूटोन है बट कहाँ पर है? और एक चीज़ याद रखना कि प्लूटोन का अच्छे कंडीशन में होना मस्ट है, क्योंकि अब प्लूटोन को फिर से नहीं बनाया जा सकता अनलेस अभी वानो में कोई एक और प्लूटोन का ब्लूप्रिंट निकाल के दे दे स्ट्रॉ हैट्स को। तो फिर इतने अच्छे कंडीशन में रखने के लिए कहाँ छुपाया गया है प्लूटोन को? और ऐसा कौन सा जगह है जिसको काइडो और उची 20 साल में वानो पर रूल करने के बाद भी कभी ढूंढ नहीं पाए? 25 साल एक्चुअली, बट ठीक है 20 साल। गाइस दिस इज़ अ वाइल्ड गेस, बट कैन यू टेल मी वन प्लेस जहाँ पर ओरोचि और काइडो दोनों नहीं जा सकते? शायद तुम गेस नहीं कर पाए हो, बट वो जगह और कोई नहीं बल्कि पानी है। काइडो और ओरोची डेलफ्रूट यूजर्स है तो वो इसलिए पानी में नहीं जा सकते, और वानो के पास के ओशन करेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि उधर कोई नॉन डेलफ्रूट यूज़र भी जाके इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। और प्लूटोन एक बहुत बड़ा वॉरशिप है, इतना बड़े वॉरशिप को छुपाना इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। प्लस प्लूटोन बहुत 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 स्ट्रॉन्ग वॉरशिप है फॉर श्योर। मे बी उसको पानी के अंदर छुपा दिया था फर्स्ट जॉयबॉय ने ताकि उसको कोई खोज ना सके। और 800 सालों से शायद प्लूटोन अभी भी पानी में है जस्ट लाइक नोआ। ऐसा नहीं है कि 800 साल में प्लूटोन को कुछ हुआ नहीं होगा, हालत ख़राब हुई होगी उसकी, लेकिन उसका कंडीशन इतना अच्छा तो होगा ही कि फ्रैंकी उसको वापस कलाकारी करके सेक्सी वाला वॉरशिप बना दे। मेरे को तो यही एक पॉसिबल लोकेशन दिमाग में आया जहाँ पर काइडो और ओरोची कभी ढूंढ नहीं सकते प्लूटोन को। मैं एक्चुअली पता है वॉल्केनो के अंदर प्लूटोन होगा बोलने वाला था, बट फिर तुम में से एक कोई कूद के बोलता कि अरे काइडो बिग मम तो उधर के लावा में ही गिरे हैं ना, तो वो प्लूटोन लेके अभी निकलेंगे बाहर वॉल्केनो से। नहीं बाबू, काइडो बिग मम गए। और वैसे भी पानी में प्लूटोन आई गेस पॉसिबल है बट वॉल्केनो में नहीं। एंड अब एंशियंट वेपन्स का इतना ज़्यादा बात कर ही लिया हूँ तो थोड़ा यूरेनस में भी बात कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि मैं यूरेनस पे एक वाइल्ड गेस करूँगा। ये प्योर हाइपोथेटिकल होने वाला है क्योंकि यूरेनस के बारे में अपने को कुछ नहीं पता है। तो मेरे पे एक्चुअली दो अजम्पशन है यूरेनस को लेके, पहला बहुत फुद्दू वाला है लेकिन दूसरा थोड़ा लॉजिकल है। पहला ये है कि यूरेनस इज़ एक्चुअली जुनेशा एंड फॉर सम रीज़न जुनेशा फर्स्ट जॉबे का हेल्प नहीं की थी वॉर में, या फिर वो बाद में हेल्प नहीं की थी शायद जब 20 किंगडम्स की अलायंस फर्स्ट जॉबे को हरा रही थी, और शायद यही सिन है जुनेशा का। क्यों नहीं हेल्प की वो फर्स्ट जॉबे का, आई डोंट नो, इस चीज़ के होने के बहुत कम चांसेस है। मैं अगर ये भी बोल दूँ कि 20 किंगडम्स की अलायंस समहाउ फर्स्ट जॉबे के अगेंस्ट जुनेशा को यूज़ की तो भी बहुत क्वेश्चंस उठते हैं जिसके मेरे पास आंसर्स नहीं है। जैसे कि जुनेशा यूरेनस है भी, तो जब वो वानो आई थी तब वर्ल्ड गवर्नमेंट उसको देख के, मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट की फटी क्यों नहीं? इसलिए मेरा जो दूसरा अजम्पशन है उसके एक्चुअली होने के चांसेस भी है। दैट इज़ यूरेनस वो सीक्रेट वेपन है वर्ल्ड गवर्नमेंट का जिसका बात डोफ्लेमिंगो ने किया था, एंड शायद इसी की हेल्प से फर्स्ट जॉबे के ग्रेट किंगडम को हराने के बाद 20 किंगडम्स की अलायंस फर्स्ट जॉबे को हरा पाई। स्नीकी वे में यूज़ किए होंगे शायद वो यूरेनस जो भी है, इसलिए शायद अभी तक यूरेनस का मेंशन पोनीग्लिफ्स में नहीं हुआ है क्योंकि यूरेनस तो फर्स्ट जॉबे पर कभी शायद था ही नहीं।
यूरेनस की पावर्स क्या हो सकती है मुझे नहीं पता, बट मुझे एक चीज़ पता है कि ये वीडियो बहुत लंबी खींच गई है, इसलिए अब ख़त्म करते हैं ये थ्योरी को। एंड हाँ, तुमको अब समझ आ गया ना कि मैंने ऐसा थ्योरी के स्टार्टिंग में क्यों बोला था कि क्लोवर चीज़ का अजम्पशन शायद थोड़ा ऊपर नीचे था। और एक लास्ट चीज़, उसके बाद ख़त्म करते हैं मैं, कि कैसे प्लूटोन को बनाने वाले शिपराइट्स को और फर्स्ट जॉयबॉय को और कोजुकीस को पता था कि फ्यूचर में एक और जॉयबॉय आएगा। रिमेंबर दैट शार्क लेडी जो कि एक कांच के गोले में भविष्य दिखाती थी, जो फिशमैन आइलैंड में थी। मे बी देयर वॉज अ भविष्य दिखाने वाली लेडी एट दैट टाइम टू, जिसने प्रिडिक्ट किया था लूफीज बर्थ एंड अराइवल। ज़रूरी नहीं है कि लेडी ही हो, लेडा भी हो सकता है। भाई टट्टी जोक मार दिया भाई, कॉमेडी बागो जल्दी एकदम हंसी हुई 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 हुई, हुई कॉमेडी भाई। मैं चुप हो जाता है अब, ठीक है, बहुत ज्ञान फेल दिया। एंड दिस कंक्लूड्स माई थ्योरी। लाइक एम टाइम, 2000 लाइक्स, लेट्स सी होता है कि नहीं ये वीडियो। एक्चुअली पता है एक प्लूटोन पे होने वाला था वीडियो, बट मैं थोड़ा सा दिमाग लगाया और फिर इतना लंबा खींच दिया इसको। वीडियो और थोड़ी कैसा लगा, ऑनेस्ट ओपिनियन दो इन कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब टू माई चैनल, अदरवाइज आई विल ईट योर मॉम अलॉन्ग विद द चिकन बिरयानी वाइल डिपिंग इट इन टोमेटो सॉस। वेट, सॉस और बिरयानी बोला ना मैंने अभी जस्ट, भाई दलिद्दर भाई, कितना गंदे गंदे कॉम्बिनेशन बता रहा मैं। चलो भाई मैं जा रहा, ठीक है, द बॉयज़ का सीजन 3 देखने। तो अब नेक्स्ट वीडियो मास्टर ने मिलेगी, तो बाय बाय।